लॉकडाउन में छूट मिलने के भ्रम में शहरों में लोगों की आवाजाही पर पुलिस प्रशासन द्वारा लोगों को चौराहे पर बने बैरियर पर रोका जा रहा है। साथ ही शहर में आने के कारण पूछने के पश्चात उनका पास, मास्क, हेलमेट की सघनता से चेकिंग की जा रही है। वहीं हेलमेट ना लगाए रहने पर लोगों को वापस भेज दिया जा रहा है और बेवजह सड़कों पर घूमने निकले लोगों को सड़कों पर एक मीटर का घेरा बनाकर लोगों को बिठा कर सजा भी दी जा रही है। इस संबंध में एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ ने बताया कि बीते 20 तारीख को लॉकडाउन में ढील होने की बात को लेकर लोगों में यह भ्रम पैदा हो गया था कि ढिलाई बरती गई है। पुलिस द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि अब लोगों में भी यह जागरूकता पैदा हो गई है कि किन किन विभागों के लिए छूट दी गई है। साथ ही दूसरे जिलों से आए लोगों को स्वास्थ्य विभाग की टीम बुलाकर उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराने के बाद उन्हें होम क्वारंटाइन कर दिया जा रहा है। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा और एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ ने कहा। फोटो ले रही है, प्राइवेट शॉपिंग कर रहे हैं। Yes, we're about to leave.
यहाँ पर यहाँ पर सभी का सत्यापन होना है और इसके लिए बैंक रोड बैंक चेकिंग करते हुए जी भैया छब्बीस अप्रैल के बाद कुछ गतिविधियाँ बढ़ी हैं, कुछ औद्योगिक इकाइयाँ भी शुरू हुई हैं, सरकारी काम कार्यालय में भी काम का शुरू हुआ है, तो लेके कुछ तो हम लोगों ने उसके हिसाब से अपनी पहले ड्यूटियाँ जो है दूसरे तरीके से सेट थी, अब उन्होंने दूसरियों को जो है ड्यूटियों को जो आवागमन में वृद्धि हुई है यातायात में वृद्धि हुई है उसके हिसाब से उन्होंने ड्यूटियाँ परिवर्तित की हैं। तमाम चौराहे पे नाकबंदी की है, होम गार्ड के जवान भी तैनात हैं, आपके भी जवान तैनात हैं, उनको कुछ निर्देश अलग से जारी किए गए हैं? नहीं, उनको तो यही है कि भाई किसी के साथ अभद्रता ना हो, जो पास लगा के जा रहे हैं पास आप जाने दीजिए, जो बिना पास के जा रहे हैं उनसे पूछिए, कोई इमरजेंसी हो मान लीजिए कोई डायलिसिस में जा रहा है, कोई कार्डियक अरेस्ट में जा रहा है, कोई किडनी का पेशेंट है, कोई किसी तरह का पेशेंट है, तो इस प्रकार के लोगों को देखें, जेन्युइननेस देखें, जो जेन्युइन हो करें। 3 मई तक लॉकडाउन भी है और उसका भी पालन कराना है। जी जी, लॉकडाउन को तो हम लोग 100% पालन कराएंगे, लॉकडाउन में तो कोई शिथिलता है ही नहीं, और जो अनावश्यक रूप से घूमेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। नहीं, 20 तारीख को लोगों को ऐसा लगा था कि लॉकडाउन में ढिलाई बरती गई है, मगर लोगों को इसके बारे में सूचना दी गई है और पुलिस द्वारा भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है, तो अब धीरे धीरे लोगों में भी जागृति आ गई है कि किन किन विभागों को इसमें छूट मिली है, सिर्फ उन्हीं लोगों को आने भी दिया जा रहा है और लोगों द्वारा भी इसमें पर्याप्त सहयोग दिया जा रहा है। सर, अगर कहीं दूसरे जगह से इलाहाबाद बनारस से लोग यहाँ चले आ जाता है, नहीं, अगर कोई भी व्यक्ति बाह्य जनपद से अंदर आ रहा है और किसी ऐसी जगह से आ रहा है जहाँ पे पहले से संक्रमण है, तो तत्काल मेडिकल टीम को सूचित करके बुलाया जा रहा है और उसके बाद उस पर आगे की कार्रवाई मेडिकल टीम द्वारा की जा रही है। नहीं, लोगों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई जारी है, 188 के अंतर्गत भी कई मुकदमे लिखे गए हैं तथा लगातार जो अननेसेसरी रूप से निकल रहे हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई लगातार थानों के स्तर से स्थानीय पुलिस से यातायात कार्यालय की तरफ से जारी है।